नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे पांच बेहतरीन शेयर्स जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और ये शेयर्स ऐसे हैं जो अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो निश्चित रूप से ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, एक बड़ा रिटर्न क्रिएट करके आपको देगा। तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए जो भी स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं। तो ये पहला स्टॉक्स है कजारिया सेरामिक्स, सेरामिक्स का, टाइल्स का, साथ ही साथ कंपनी प्लाईवुड बिजनेस में भी 2018 में प्रवेश कर चुका है, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यूपी में, राजस्थान में है और आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से कंपनी का जो ज्योग्राफिकल वाइज है काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और कंपनी धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई कर रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड 0.81% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 47.5%, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0.07 है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। टोटल डेट मात्र 126 करोड़ का, जबकि रिजर्व 1853 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट 378 करोड़ का। तो कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफी जबरदस्त दिख रही है। और वहीं टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो जो चार्ट है वो काफी सॉलिड है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताएंगे वो आपको रिसेंट टाइम का होगा। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस नीचे भी आ सकता है, फिर नीचे से ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जब भी कंपनी में कोई बैड न्यूज आता है, कंपनी का बिजनेस में कोई परमानेंट इफेक्ट पड़ता है, तो आपको निश्चित रूप से उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट किए हैं तो एग्जिट हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट निकल के आता है वह है 1120 रुपीज, ये सपोर्ट है अभी रिसेंट टाइम का। और यहाँ पर स्टॉक्स ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस था 1230 रुपीज, और इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ से जबरदस्त मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो जैसे कोई भी बड़ी गिरावट हो, देखिए थोड़ा बहुत ये साइक्लिक स्टॉक भी रहता है, कभी कभी बहुत बड़ा करेक्शन भी होता है, तो जब भी करेक्शन में लगता है तो स्टॉक को बाय कीजिए। अभी फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलते चला गया तो हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो स्टॉक को हम तब बाय करते हैं या तो ब्रेकआउट हो, जैसे ये ब्रेकआउट दे चुका है तो हो सकता है यहाँ से वापस स्टॉक नहीं आए, या तो हम तब बाय करते हैं जब कोई राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन करता है, स्टॉक अपना बॉटम बना रहा होता है। अगला स्टॉक है, जो दूसरा स्टॉक है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। ये कंपनी जो है स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स बनाने का काम करती है, जो कि हमारा ऑरल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, सॉप, शैम्पू, डिटर्जेंट, क्लियरिंग प्रोडक्ट, इन सब में यूज होता है। मुख्य रूप से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है इससे रिलेटेड, और यहाँ पर परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट जो है वो 64% का रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कंट्रीब्यूशन है इसका। वही मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 0.54%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से भी ज्यादा, प्रमोटर होल्डिंग 70.9%, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.22 का है, और टोटल डेट 289 करोड़ का है, और रिजर्व जो है 1266 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 322 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। वही कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट की बात करें तो जो चार्ट है उस पे स्टॉक्स काफी सॉलिड दिख रहा है, और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो है 2915 रुपीज, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो स्टॉक यहाँ पर जो अपना रेजिस्टेंस फेस किया वो है 3588 रुपीज। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक्स में गिरावट देखने मिला है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस था उस पे यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, जो कि 3275 रुपीज। यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर हो सकता है ये रिटेस्ट कर रहा हो, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये जबरदस्त तेजी ऊपर की ओर दिखा सकता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है ट्रेंट। ट्रेंट काफी जबरदस्त स्टॉक, और ये कंपनी का जो बिजनेस है वो रिटेल से रिलेटेड है। जैसे कंपनी जो है रिटेलिंग करती है अप्रैल का, फुटवेयर का, एसोसरीज का, टॉयज का, गेम का, फूड ग्रोसरी का, नॉन फूड प्रोडक्ट का, तो इसका रिटेल कारोबार करती है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन है। पहले भी मैंने इस स्टॉक के बारे में बात किया था, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है 0.06, और रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल काफ़ी ज़बरदस्त हुआ करता था कभी। अभी जो कंपनी है पिछले दो मतलब पिछले एक साल से वो लॉस में है, अदरवाइज ये कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, और लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन कंपनी आपको रिटर्न क्रिएट कर देगी। प्रमोटर्स होल्डिंग 37%, कोई शेयर प्लेज नहीं, डेट इक्विटी मात्र 0.13 का है, टोटल डेट मात्र 300 करोड़ का, जबकि रिजर्व 2277 करोड़ का, और कंपनी अभी थोड़ा सा इस ईयर लॉस में है, तो लेकिन ब्रांड वैल्यू कंपनी का काफी जबरदस्त है। वहीं शेयर प्राइस के चार्ट की बात करें, यहाँ पर जो कंपनी का
रेसिस्टेंस है वो है 1050 रुपीज और जो सपोर्ट है वो है 950 रुपीज। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत बड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है, लेकिन अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होता है यहाँ से जबरदस्त मोमेंटम ऊपर की ओर दिखा सकता है ये स्टॉक्स। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है केबल का और वायर का। इस तरह कंपनी साथ साथ जो है फैंस का, स्विच का, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनर, सोलर इन्वर्टर, पंप्स, इस तरह का ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो काफी जबरदस्त कंपनी है। मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है। डिविडेंड 0.41% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 20% से अधिक है। परमोटर सोनिक 68.4% है। कोई भी सेल प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.05 है। टोटल डेट 249 करोड़ का है, जबकि रिजर्व 4,600 करोड़ का रिजर्व है। वही नेट प्रॉफिट 838 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। और वहीं बात करें कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट का, तो देखिए चार्ट भी कंपनी का काफी सॉलिड है, लेकिन लिस्टिंग ज्यादा पुराना नहीं है। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस बनाया कंपनी वो है 2,626 रुपीज का, और यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया है मतलब जो पिछला रेसिस्टेंस हुआ करता था 2,030 रुपीज का, और यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर कोई सपोर्ट रीजन बनाता है इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है 2,000 रुपीज, तो इसके आसपास ज्यादा से ज्यादा गिर करके ये स्टॉक्स आ सकता है। रिसेंट टाइम की बात करें लॉन्ग रन में कोई भी स्टॉक्स कोई बड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है या बड़ा मोमेंटम भी ऊपर की ओर दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों जो अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसको लॉन्ग रन में हमेशा ऊपर ही जाना है, तो ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पांचवा स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाई, होम एप्लीकेशन बनाती है जैसे वॉशिंग मशीन, लाइटिंग प्रोडक्ट बनाती है जैसे एलईडी बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, मोबाइल फोन स्मार्टफोन में भी है, सीसीटीवी में है, डीवीआरएस में है, मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है। इस तरह से कंपनी का जो प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड। ऑडियो वीडियो रिलेटेड जो डिवाइस है वो भी बनाती है। मार्केट कैप मात्र 25,000 करोड़ का है। कंपनी का डिविडेंड 0.02% है, काफी कम है। रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ज्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 35% है। कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.121 का है, तो डेट इक्विटी भी काफी कम है। वही टोटल डेट 156 करोड़ का है, जबकि रिजर्व 726 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 176 करोड़ का है। तो देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। और वहीं पर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट का, तो अभी देखिए इसका जो पहले का ट्रेंड लाइन था जहां से ये काफी जबरदस्त बुल रैली दिखाया, तो वो ट्रेंड लाइन यहां पर स्टॉक्स ब्रेक कर चुका है और अभी जो स्टॉक्स है वो साइडवेज है। लेकिन साइडवेज होने के साथ साथ हो सकता है यहां पर जो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है मतलब ये जो इसका रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है फिर से ये स्टॉक बुलिश हो सकता है, क्योंकि पहले स्टॉक्स ये 2000 रुपीज थी जैसे मैंने बताया वहां से 20,000 का हाई लगाया, फिर स्टॉक स्प्लिट बोनस के कारण शेयर प्राइस काफी नीचे आ चुका है और यहां से फिर यहां पर अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि है 4,739 रुपीज से लेकर के 5,000, क्योंकि 5,000 साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जबरदस्त रैली दिखा सकता है। वही जो रेसिस्टेंस बन के आया है वो है 3,800 रुपीज, इसके नीचे निकालता है तो फिर जबरदस्त यहाँ पर गिरावट भी स्टॉक दिखा सकता है, मतलब एक करेक्शन होगा। लॉन्ग रन में कंपनी काफी बेहतर कर रही है तो नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाना है शेयर प्राइस। लेकिन अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो साइडवेज है, क्योंकि इसका जो बुलिश ट्रेंड था ये ट्रेंड वो खत्म हो चुका है। ये ट्रेंड काफी पीछे से आ रहा था, देखिए ये ट्रेंड था पीछे से जो कि काफी जबरदस्त ट्रेंड में था ये स्टॉक्स, और अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर आपको चाहिए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट, कभी भी इन्वेस्टिंग में 100% प्रॉफिट बुक करना नहीं होता है, तो आप हाई लेवल पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लोअर लेवल पे आता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इन्वेस्टिंग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये 5 बेहतरीन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा जो कि लॉन्ग रन में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा।